हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, अगेन एक बहुत ही प्यारा हॉल मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं। आज के हॉल में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं ब्लाउज कलेक्शन, जो कि अमेजोन से होने वाला है। बहुत ही प्यारा ब्लाउज कलेक्शन है ये। कलेक्शन ऐसा है कि अगर आपके पास ये ब्लाउज होते हैं तो आपका जो किसी भी साड़ी के साथ आप इजिली वेयर कर सकते हो। इस तरह के ब्लाउज होने वाले हैं। वन बाय वन करके सभी की डिटेल दूंगी। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इजिली इनको बाय कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ब्लाउज से, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। फर्स्ट ब्लाउज है कुछ इस तरह का, सिल्क वाले फैब्रिक में है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसके जो ब्रांड है वो है स्टूडियो सिंगार। एंड इनके जो ब्लाउज होते हैं ना, बहुत अच्छी फिटिंग के साथ होते हैं। ये जो ब्लाउज है सिल्क फैब्रिक में है, एंड इस पे ये आप किनारी पे देखोगी, ये लेस लगा के ना वी शेप में इसका नेक बनाया गया है। सिल्क वाला फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई गई है, और बैक से आपको मिलेगा ये वी नेक। इस तरह का वी नेक मिल जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही प्यारा सा। एंड इनकी फिटिंग की मैं बात करूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फर्स्ट टाइम मुझे किसी ब्लाउज की फिटिंग पसंद आई है, नहीं तो मैं हमेशा मतलब स्टिच कराती थी, लेकिन इनकी फिटिंग मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि मतलब मेरी फिटिंग जल्दी से मिलती नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी सी पतली हूँ, तो पतली होने की वजह से फिटिंग मुझे नहीं मिलती है। हमेशा फुल साइज के मिलते थे, बट इसकी फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट आई। बस हल्का सा ना स्लीव से मुझे हल्का सा लूज आया, वो मैं स्लीव से मतलब फिटिंग करा लूँगी। वैसे ही एकदम परफेक्ट ब्लाउज मुझे आया है। इसकी फिटिंग, इसका फैब्रिक एंड पहनने के बाद एल्बो तक की स्लीव्स हैं इसकी, जो कि पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है किनारी पे, तो इस तरह का ब्लाउज है जो कि आप मेहरून कलर में है, किसी भी साड़ी के साथ इजिली वेयर कर सकते हो। एंड इसके जो ये लेस लगी हुई है, ये भी बहुत ही प्यारी है। सबसे बेस्ट है इनकी स्टिचिंग, बहुत परफेक्ट फिटिंग इसकी आती है। स्टिचिंग बहुत अच्छे से की गई है। फ्रंट में जो है इसके, ये ओपन करने के लिए फ्रंट में मिलेगा इस तरह से, बट बहुत ही प्यारे से स्टिचिंग के साथ, बहुत ही अच्छे फैब्रिक के साथ ये ब्लाउज है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, एंड बहुत सारी साड़ी की आपकी चल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ब्लाउज है वो है ये व्हाइट चिकनकारी में। व्हाइट कलर का ब्लाउज एक ऐसा ब्लाउज होता है जो कि आप मैक्सिमम साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो। व्हाइट ब्लाउज अगर आपके पास है ना, तो बहुत सारी साड़ी के साथ चल जाते हैं, क्योंकि व्हाइट का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके साथ तो चली जाता है जिनके साथ व्हाइट पहनना है, लेकिन कंट्रास्ट में भी अगर आप व्हाइट बहुत सारे कलर के साथ पहन सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लुक देता है। एंड इसके फैब्रिक की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका। वैसे जॉर्जेट है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एंड इस पे पूरे पे इस तरह से चिकनकारी वर्क हो रखा है, आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। बोट नेक में है, फिटिंग अगेन इसकी भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मैंने आपको जैसे बताया लास्ट में कि मुझे जल्दी से फिटिंग नहीं आती है, लेकिन इसकी भी फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी आई। बस हल्का सा मेरे को सारे ही ब्लाउज में स्लीव्स हल्की सी लूज आई है, वो भी इतनी सी, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग फिटिंग करा लूंगी, क्योंकि किसी के हाथ पतले होते हैं, किसी के थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो लेकिन इसकी वैसे फिटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इनर अच्छे से लगाया गया है, बोट नेक में ब्लाउज मिल रहा है, जो कि पहनने के बाद बहुत ही क्लासी लुक देता है, क्योंकि बोट नेक ना पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से पूरे पे ये चिकनकारी वर्क हो रखा है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड इनर की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई गई है। कॉटन में नहीं है, हल्के से सिल्क मतलब चिकने वाले फैब्रिक में है, क्योंकि ये ना जॉर्जेट फैब्रिक में है। अगर इसमें कॉटन लगाते ना, तो उतना मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इस वजह से बहुत अच्छे फैब्रिक के साथ इसमें लगाया गया है। इसमें बैक से ओपन करके वेयर करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये हुक वाला वो मिल जाता है, यहाँ पे हुक लगाए गए हैं इस तरह से। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही डिफरेंट सा, एंड आपकी बहुत सारी साड़ी के साथ चलने वाला ये ब्लाउज है। इसको आप जरूर वेयर करिएगा, मतलब जरूर बाय कीजिएगा। और एक क्लियरली बात बता दूं कि इसके अंदर ना हम वो नहीं है जो आपको पैड मिलते हैं ना, ये पैड वाला कोई भी ब्लाउज नहीं है इसमें से, नॉन पैडेड है वैसे ये ब्लाउज। तो आप देखो इस तरह से स्टिचिंग भी मैं बैक से आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी स्टिचिंग के साथ किया गया है। अगर आपको थोड़ा सा लूज भी आता है ना, तो आपको अलग से ना कुछ भी सिलाई लगवाने की जरूरत नहीं है,
आप देखेंगे कि यहाँ से आप एक लाइन की स्लीव निकाल दोगे तो आपको ये दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से आप हल्का सा लूज घर पे ही कर सकते हो। आपको अलग से टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो कि मुझे इसकी एक और बेस्ट चीज लगी। इस तरह से इन्होंने 3-4 सिलाई लगाई गई है, जो कि अपने अकॉर्डिंग अगर आपको टाइट आता है तो आप हल्का सा लूज कर सकते हो। ये चीज बहुत अच्छी दी है, आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी ब्लाउज में आज तक आपको ये चीज मिली होगी। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही है अच्छी क्वालिटी है। एंड इसमें मेरा साइज है 36, मैंने गलत बोला, मेरा जो साइज है वो है 34। 34 साइज ही मुझे परफेक्ट आता है, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल जो होता है ना, सबसे छोटा साइज जो होता है वो मेरे को परफेक्ट आता है। नेक्स्ट ब्लाउज जो हमने मंगाया है ये गोल्डन कलर में। गोल्डन कलर का ब्लाउज भी आपके पास जरूर होना चाहिए, और मैक्सिमम साड़ियों के साथ आपकी चलता है गोल्डन ब्लाउज। ये भी आपको बोट नेक में मैंने मंगाया है, इस तरह के फैब्रिक में है ये, बहुत ही प्यारा सा। एंड बिल्कुल भी ये अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ब्लाउज होते हैं ना जिनको वेयर करने के बाद आपको हल्का सा चुभन, मतलब चुभने वाला फैब्रिक जो होता है वो भी बहुत सारे गोल्डन ब्लाउज में मैक्सिमम आता है। एंड मेरा जो है, मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, मैं हल्का सा भी जो चुभने वाला कपड़ा होता है जिसमें हल्का सा भी ऐसा लगता है ना कहीं पे जरी का कुछ वर्क आ रहा है, वो मैं नहीं वेयर कर सकती, मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है एंड मेरे को इचिंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल मुझे लगा, जो कि बेस्ट लगा। नहीं तो गोल्डन में मैक्सिमम होता है क्योंकि जरी वर्क होता है तो वो हल्का सा चुभता है, बट ये बहुत बेस्ट है। एंड अगेन ये भी नॉन ब्रेडेड ब्लाउज है, एल्बो तक की स्लीव्स हैं, इस तरह का डिजाइनिंग आप देखोगे, इस तरह का। इसका भी बोट नेक है आगे और पीछे, एंड पीछे से ये ओपन करके आपको वेयर करना है। जो हुक दिए हुए हैं वो पीछे के साइड दिए हुए हैं। स्टिचिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, फिटिंग एकदम परफेक्ट है, बस हल्का सा स्लीव से लूज है जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, बट वैसे ही जो है एकदम परफेक्ट है, पूरी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ हल्का सा जो है उसमें ही प्रॉब्लम है, स्लीव्स में हल्का सा मेरे को लूज है, आई थिंक मेरे हाथ ज्यादा ही पतले हैं इसलिए, वरना तो मेरी तो फिटिंग भी नहीं मिलती है ना तो सूट में ना साड़ी में, बट जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनमें मेरी फिटिंग मिल जाती है। लाइक जैसे ये स्टूडियो सिंगार के हैं, एंड ये ब्रांड बहुत अच्छी स्टिचिंग, बहुत ज़्यादा फिटिंग के साथ जो है वो बनाती हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसमें आप इनर वगैरह देखोगे बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। एंड अगेन इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको डबल सिलाई लगा के दी गई है, जो कि एक इतने गैपिंग के बाद है, तो अगर आपको हल्का सा टाइट भी होता है ना तो आपको टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आप बस एक सिलाई निकाल दोगे यहाँ से तो आपको हल्का सा लूज भी हो जाएगा। ये आगे से पीछे तक ये पूरे पे ये वो दी गई है लाइन, जिससे कि आप इजिली इसको मतलब ढीला और टाइट कर सको, सॉरी ढीला कर सको, टाइट तो नहीं, टाइट के लिए तो आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। एंड अगर स्लीव टाइट भी करना पड़े तो इजीली आपके ऐसी ये सिलाई लग जाएगी। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा पीस है। नेक्स्ट ब्लाउज जो मैंने मंगाया है वो है इस तरह से रानी कलर में, पिंक, डार्क पिंक कलर जो होता है ना रानी कलर, वो सिल्क वाले फैब्रिक में, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है। लाइक कंफर्टेबल के साथ साथ इसमें हल्की सी शाइन भी है, जिन कपड़ों में शाइन होती है वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट ये कंफर्टेबल भी एंड इसमें शाइन भी है। ये भी बहुत ही प्यारा सा पीस है। इस कलर, इस तरह के कलर ना बहुत सारी साड़ी के साथ आपकी आप कंट्रास्ट करके पहन सकते हो, मैचिंग करके पहन सकते हो, बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हो। इसकी भी फिटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बस हल्की सी स्लीव्स में लूज है जो कि मुझे फिट करानी है, वैसे एकदम परफेक्ट पीस है ये। इसका भी बोट नेक है एंड मेरा फेवरेट है बोट नेक, इसलिए मैंने मैक्सिमम बोट नेक में रखे हैं। आप नॉर्मल वे भी ले सकते हो, लेकिन मेरे को ना बोट नेक बहुत ज़्यादा पसंद है। जो पतले लोग होते हैं ना उनको जितना भरा हुआ होता है ना मतलब कपड़ा, वो उतने मतलब सही लगते हैं, नहीं तो उनकी ये जो हड्डियाँ हैं ना वो चमकती हैं तो वो थोड़ी सी अजीब लगती है, तो ये मुझे इसलिए बोट नेक वाला बहुत ज़्यादा। एंड इस टाइम ट्रेंड में भी है बोट नेक, जो है कि वेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए स्लीव्स जो है एल्बो तक की मिलेंगी एंड बहुत ही अच्छा वेयर करने के बाद बहुत परफेक्ट फिटिंग आई, बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन ये भी बैक से ही ओपन होके आपको मतलब पहनना पड़ेगा, इसकी हुक जो है वो बैक साइड में दी हुई है। इनर वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, ये भी अगेन नॉन पैडेड ब्लाउज है एंड अगेन स्टूडियो सिंगार से ही है। इनके ब्लाउज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं,
अनफिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इसमें भी आपको इसी तरह से मिलता है कि अगर आपको हल्का सा टाइट आता है तो आप एक सिलाई निकाल के एंड इसमें दो तीन सिलाई इस तरह से लगाई गई है गैपिंग के बाद, तो इजीली आप इसको अपनी फिटिंग के साथ कर सकते हो। लास्ट ब्लाउज अगेन हमने वाइट में ही मंगाया है। मैंने अभी वाइट में एक ब्लाउज आप लोगों को दिखाया, ये भी वाइट चिकनकारी में ही है और हल्का सा इसमें गोल्डन सीक्वेंस भी लगे हुए हैं इस तरह का। बस इसमें डिफरेंस है कि इसकी स्लीव्स ना छोटी वाली हैं, जो 3 इंच वाली स्लीव्स होती है ना उस तरह की स्लीव्स हैं। बट ये भी बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है। इसका ना नेक बोट नेक में भी थोड़ा सा हल्का सा डीप नेक है, बट है बोट नेक ही, बस हल्का सा डिफरेंस है। जैसे इनका इतना है तो उसका इतना है। बट ये भी जॉर्जेट फैब्रिक में है एंड फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है। किनारी पे हल्की सी नेक पे आप देखोगे पाइपिंग है बहुत बारीक सी एंड बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है। छोटी स्लीव्स के साथ है, फिटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटिंग है। बैक से भी बोट नेक मिलेगा, बैक से ही ओपन करके आपको वेयर करना है। यहाँ पे हुक मिलेंगे ये बैक साइड में, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा ब्लाउज है। बस इसकी स्लीव्स छोटी वाली हैं, तो अगर इनके साथ आप कंफर्टेबल हो, लाइक इस तरह की स्लीव्स आपको पसंद है, तो आप इसको 100% ले सकते हो। कोई भी इसमें डाउट नहीं है, कोई भी कमी इसमें नहीं है, बहुत ही प्यारा सा पीस है। एंड इसमें भी आगे पाइपिंग लगी हुई है, और ये भी मतलब फैब्रिक वगैरह फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी गई हैं। और इसको भी अगेन आपको हल्का सा टाइट आता है तो इसमें 3-4 स्टिचिंग ऐसे दी गई हैं गैपिंग के बाद, तो इसको भी आप खोल के अच्छे से कर सकते हो। एंड इसमें भी बहुत अच्छा सॉफ्ट वाला फैब्रिक लगाया गया है। इनर में तो ये भी बहुत ही प्यारा सा पीस है एंड एकदम हाईली रिकमेंड पीस है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा कलेक्शन। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली इनको बाय कर सकते हो। सारे ही पीसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप किसी भी मतलब ब्लाउज को बिना सोचे बाय कर सकते हो, कोई भी डाउट उसमें नहीं है। तो आज के हॉल में इतना ही, मिलूंगी आपसे एक बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।